friends, I intend taking you through the story of Wajid Ali Shah. He was the last king of Awadh. It pertains to the moment when East India Company had annexed the kingdom of Awadh and deposed Wajid Ali Shah. He was then taken to Calcutta, where he spent the rest of his life. Friends, the narration is by Nawab Jafar Mir Abdullah, a descendant of Wajid Ali Shah. So now, over to Nawab Jafar Mir Abdullah. Nawab Wajid Ali Shah Bahadur, 1847 में अवध के आखिरी ताजदार हुए. इनको अंग्रेजों ने बदनाम किया क्योंकि ये बहुत ही ज़हीन, बहुत ही काबिल ऐसे बादशाह थे कि इनकी रियाया इनसे बहुत मोहब्बत भी करती थी और अकीदत भी रखती थी. ये 13 ज़बानें जानते थे. इन्होंने 105 किताबें लिखी, ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर थी. इनके खिलाफ साजिश की गई क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान पर तकरीबन कब्जा कर लिया था और अवध की एक ऐसी किंगडम थी जिसको वो हड़पना चाहते थे. तो लॉर्ड डलहौजी ने जनरल जेम्स उट्रम को यहाँ का रेजिडेंट बना के भेजा और उसके साथ में एक ट्रीटी भेजी. दिखाया यह गया था कि अगर नवाब वाजिद अली शाह बादशाह रहते हैं तो इतनी बद इंतज़ामी है कि यहाँ सिविल वॉर हो जाएगी और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को उसको संभालना मुश्किल होगा, लिहाजा इनका टाइटल बादशाह का रखा जाए, इनको डिपोज कर दिया जाए और अवध को अनेक्स कर लिया जाए. जब जेम्स उट्रम ने इनके सामने वो ट्रीटी रखी तो इन्होंने उसको साइन करने से, दस्तखत करने से इनकार किया. उन्होंने कहा आप हमारा तख्त ले सकते हैं, हमारा ताज ले सकते हैं, लेकिन हमारी दस्तखत नहीं ले सकते. हम ये गवारा नहीं करेंगे कि हम नाम के बादशाह हों और हमारी रियाया आपके हाथों सफ़र करे. अच्छा, वो जंग करना इसलिए भी नहीं चाहते थे कि जब वो अपनी फ़ौजों को ट्रेन कर रहे थे तो अंग्रेज़ों ने हकीमों के ज़रिए इनकी वालिदा मलके आलिया के कान भरे कि अगर नवाब वाजिद अली शाह 5-5 घंटे और 6-6 घंटे धूप में अपनी फ़ौजों को ट्रेन करेंगे तो इनकी सेहत पर बन जाएगी और ये फौत भी हो सकते हैं. तो माँ ने कस्में दी और इनका रुझान जो था फिर वो फाइन आर्ट्स की तरफ बहुत ज़्यादा रुजू हो गया. जब इन्होंने दस्तखत नहीं किए तो इन्होंने जंग इसलिए नहीं करना चाहिए कि इनकी जो फ़ौजें थीं वो ऑर्गेनाइज नहीं थी. जो ब्रिटिश आर्मी थी वो वेल इक्विप्ड थी, सोफिस्टिकेटेड वेपनरी थी और पूरी स्ट्रैटेजीज थी और पूरा कॉन्सेंट्रेशन अवध के किंगडम पर था. विद ऑल दे माइट दे वॉन्टेड टू कॉन्कर अवध. नवाब वाजिद अली शाह ने एक अमन का और लीगल पहलू इख्तियार किया. उन्होंने ये सोचा कि ये कलकत्ते जाएं, गवर्नर जनरल से मिलें और अपना केस प्लीट करें और अपनी किंगडम वापस लें. तो लखनऊ से 1856 में नवाब वाजिद अली शाह की रवानगी होती है. दरो दीवार पर हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं. पहले ये कानपुर तशरीफ़ लाए. इनके दोस्त मिस्टर ब्रेंडन कानपुर में थे. कानपुर अवध की टेरिटरीज के बाहर था, वो ब्रिटिश टेरिटरी में था. एक हफ़्ता वहाँ क़याम करने के बाद फिर ये कश्ती के ज़रिए काशी तशरीफ़ लाए. 15 दिन काशी नरेश ने इनकी बड़ी मेहमान नवाजी की और इसी दौरान इन्होंने मंदिरों में शहनाई और गंगा के घाट पर आरती का एहतमाम किया और अपने जेब खास से उसका खर्च उठाने का वादा किया. 15 दिन क़याम के बाद नवाब वाजिद अली शाह कलकत्ते के लिए रवाना हो गए. ज़ाहिर है कि गर्मी का मौसम था, पानी का सफ़र था. 140 तकरीबन लोग थे जिसमें इनकी वालदा मलके आलिया भी थी. इनके मंझले भाई मिर्ज़ा हाशमत सिकंदर थे, जनरल बहादुर. इनके क्राउन प्रिंस मिर्ज़ा मोहम्मद हामिद. इनके प्रीस
लॉयर्स और बाकी नौकर चाकर और अमला था। जब ये कलकत्ते पहुँचे तो इनके एलर्जी स्किन रैशेस हो गए और इन्होंने लिखा है कि इनका जिस्म जो था, इनकी जो खाल थी, जैसे लाल रंग का बानात कपड़ा होता है, ऐसा हो गया था। डॉक्टर्स ने इनको विलायत के सफ़र की इजाज़त नहीं दी, ये कलकत्ते में रुक गए और बाकी काफिला जो था वो लंदन के लिए रवाना हुआ। मलके आलिया की ज़ेर निगरानी ये लोग लंदन पहुँचे। वहाँ 100 पाउंड में 10 दिन के लिए एक होटल बुक किया गया। कुछ अरसे बाद क्वीन विक्टोरिया से मुलाकात हुई, प्रेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई, लेकिन 1857 हो चुका था, वो यहाँ जंग छोड़ गई थी। क्वीन विक्टोरिया ने कहा कि अब चूँकि आप हमारे बागी हो गए हैं, इसलिए मसालेहत की बात और ये आपकी किंगडम की वापसी की बात मुमकिन नहीं है। चूँकि क्वीन विक्टोरिया के पास पावर्स भी नहीं थे, पावर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे, तो बड़ी मायूसी हुई। और मलके आलिया, मलका किशोर जो थी, उन्होंने ख्वाहिश की कि वो ज्यारत के लिए ईरान और इराक तशरीफ ले जाएं। उनको वाया पेरिस ले जाया जा रहा था, जहां उनका इंतकाल हुआ, और उनको एक बहुत ही ग्रैंड ब्यूरल दे के उनका जनाजा वहीं दफन किया गया। और पेरेलशेज में ब्लॉक नंबर 85 में मलका आलिया की कब्र है। कुछ अरसे बाद मिर्ज़ा हशमत सिकंदर का लंदन में इंतकाल हो गया, उनकी डेड बॉडी को भी पेरिस लाया गया और माँ के कब्र के पहलू में उनको दफन किया गया। तो ये दो रॉयल ग्रेव्स जो हैं ये पेरिस में, नवाब वाजिद अली शाह के मंझले भाई और इनकी वालदा मलका किश्वर। बेगम हजरत महल जो जंग कर रही थी, वो जंग करते करते नेपाल निकल गई और इस नज़रिए से गई थी कि वो वहाँ रिकूप करके फिर वापस आएंगी और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग करेंगी। लेकिन तब तक 1858 में अंग्रेज़ अवध पर काबिज़ हो गए और ये सिलसिला ख़त्म हो गया। नवाब वाजिद अली शाह कलकत्ते ही में रहे, वो फिर लखनऊ तशरीफ़ नहीं लाए। और कलकत्ते में उन्होंने एक मिनी लखनऊ कायम किया, और जो यहाँ का कल्चर था, जो यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो यहाँ के तौर तरीक़े थे, जो यहाँ का मुहर्रम था, जैसा एक इमामबाड़ा यहाँ सुल्तानाबाद में नवाब अमजद अली शाह बहादुर का है, जहाँ वो दफन हैं नवाब वाजिद अली शाह के वालिद, बिल्कुल ऐसा ही इमामबाड़ा कलकत्ते मटियापुर में इन्होंने तामीर करवाया, एक मस्जिद बनवाई। 1887 में इनका इंतकाल हुआ और 31 साल कलकत्ते में रहे। वहाँ का खाना पीना, लिबास, बोल चाल, मुहर्रम, कथक, मतलब बहुत सी इस तरह की चीज़ें थी जो कि लखनऊ की थी, वो उन्होंने वहाँ राइज की। एक और चीज़ जो उन्होंने वहाँ की, वो एक ज़ू इन्होंने वहाँ बनाया और उसमें हर किस्म के जानवर थे। और पहली बार इन्होंने एक सर्पेंटेरियम का कंसेप्ट दुनिया को दिया कि सांप भी पाले जा सकते हैं। और इनके अजायब घर में सर्पेंटेरियम भी था, और वो जानवर थे जो कि कलकत्ते में या पाए हिंदुस्तान में नहीं पाए जाते थे। बहरहाल नवाब वाजिद अली शाह आखिर तक बादशाह रहे, ही डाइड एज अ किंग। नवाब वाजिद अली शाह वॉज द लास्ट किंग ऑफ इंडिया। रोजी रेवलिन जोन्स ने किताब भी लिखी है, द लास्ट किंग ऑफ इंडिया नवाब वाजिद अली शाह, और उसमें आपको बहुत सी डिटेल्स मिल सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।